हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मटेरियल्स लेके चलिए, बनाते हैं एक न्यू इयररिंग्स, कुंदन इयररिंग्स। तो पहले जैसे मैं डिज़ाइन को अरेंज करने बोलती हूँ, तो पहले हम लोग डिज़ाइन को ऐसे अरेंज करके देख लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लॉन्ग सा इयररिंग्स, ऐसे आज बनाना सीखेंगे। तो पहले ऐसे सेपरेट कर लीजिए, हम लोग को ऐसे दो दो का ज्वाइनिंग करना है। फिर हम लोग सारे पार्ट को ज्वाइन करके पूरा कर लेंगे। तो पहले जंप रिंग लेते हैं, जंप रिंग लेके ओपन करके ये साइड से उसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो इसमें आपको प्लायर का हेल्प लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कौन सा जॉइनिंग, कुंदन जॉइनिंग आप प्रेफर करते हैं करना? जैसे कि मैं अपना चैनल में तीन टाइप का जॉइनिंग दिखाई हूँ, एक वायर से, एक जंपरिंग से और कुछ आई पिन से भी। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखिए, इसको जब मैं क्लोज कर लेती हूँ उल्टा करके, ये नज़दीक में मतलब डिज़ाइन पूरा पास पास आ जाता है। उसके बाद हम लोग और एक पीस करेंगे साइड बाय साइड। देखिए, पीछे साइड से ज्वाइन करेंगे, वैसे ही ओपन करेंगे जंप रिंग को। आप मुझे ज़रूर बताइए कौन सा आपको इजी लगता है और कौन सा आप प्रेफर करते हैं करना। फिर प्लायर का हेल्प से इसको क्लोज करेंगे। ऐसे करके तीनों पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट करके हम लोग ज्वाइन करेंगे, तीनों पार्ट को सेपरेट करके, सेपरेटली ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये तीन पार्ट अभी बन गया। उसके बाद हम लोग तीनों को ज्वाइन करेंगे, और नीचे एक रेड वाला है स्टोन, उसको ज्वाइन करना है। तो नीचे जो दो स्टोन है, दोनों के साथ रेड वाला को ज्वाइन करना है, तो तीनों को एक साथ ज्वाइन करना है। तो इसमें थोड़ा हम लोग को केयरफुली करना होगा। जो जित आप बड़ा जॉइनिंग के लिए बड़ा जंप रिंग ले सकते हैं, छोटा सा जॉइनिंग के लिए छोटा जंप रिंग ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग रेड स्टोन को ज्वाइन कर लिए। फिर हम लोग ऊपर वाला को ज्वाइन करेंगे। इसलिए पहले डिजाइन को हम लोग को रख के चेक करना पड़ता है किसके साथ कहाँ पर करने से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको कुंदन ज्वेलरी में फ्रेंड कौन सा अच्छा लगता है, इयररिंग वाला या नेकलेस वाला, मुझे ज़रूर बताइए। तो आगे जाके मैं उस टाइप का वीडियो बनाऊंगी तो का इयररिंग्स। लेकिन हम लोग तो अभी तक ईयरपोस्ट नहीं लगाए हैं, तो बिना ईयरपोस्ट को पहनेंगे कैसे? तो चलिए बना लेते हैं, इयररिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे मैं बताई थी, ईयरपोस्ट के लिए यहाँ पर मैं रिबन क्रीम का ऊपर लूप पार्ट को काट के उसका रेक्टेंगल पीस को अंदर डाल रही हूँ। और क्यों अंदर डाल रही हूँ आपको तो पता है, अगर पता है तो मुझे कमेंट कीजिए मेरा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पर मैं बताई हूँ क्यों रिबन क्रीप हम लोग यूज करते हैं। देखिए, ईयर पोस्ट लग गया, नाउ आवर इयर रिंग इज कम्प्लीट। तो चलिए पहन लेते हैं, देखिए कितना सुंदर है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।